हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज के वीडियो में मैं आपको जबरदस्त टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी पहले कर देना। तो आज का टॉपिक है किस पर? तो आज का टॉपिक है फोल्डर क्रिएशन पर। यानी अगर आपको अपना बॉस बोलता है कि आपको एक एक्सेल फाइल में से फोल्डर क्रिएट करना है, यानी आपके पास एक्सेल फाइल अवेलेबल है, उसके अंदर ये सारे के सारे डेटा, यानी कि ये नाम अवेलेबल है, 20 नाम अवेलेबल है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपका बॉस बोलता है कि आपको इन नाम का एक एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस नाम को पहले कॉपी कर लेंगे, ठीक है? फिर जहां आपको बोला है उधर हम जाएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू में जाकर फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और उधर हम डेटा को पेस्ट करेंगे, यानी ये पहला फोल्डर जो है वो बन गया। लेकिन आपके पास इधर 20 नाम अवेलेबल है, अगर आपको 20 फोल्डर क्रिएट करने हैं तो ये तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। ये 20 है तो चलो हम कर भी देंगे, लेकिन अगर ये 200 होंगे तो क्या करेंगे, 2000 होंगे तो क्या करेंगे? तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं आपको सिंपली आप एक मिनट में जितने भी फोल्डर वो क्रिएट कर सकते हो उसका टेक्निक मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो पहले क्या करते हैं, ये जो मैंने फोल्डर इधर क्रिएट किया इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया डिलीट। अब क्या करते हैं, अब हम चले जाते हैं एक्सेल फाइल में। तो सिंपली इधर जो नेम है उसके बगल में मैं इधर एक फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखना, इक्वल टू कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज करूंगा, देन डबल कोटेशन स्टार्ट करता हूँ, देन एमडी मैक डायरेक्टरी कमांड यूज करूंगा, यानी एमडी लिखता हूँ, देन एक स्पेस देता हूँ, देन डबल कोटेशन मार्क्स को ओवर करता हूँ, देन कॉमा, उसके बाद में ये जो नेम है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन ब्रैकेट पूरा करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, यानी एमडी स्पेस कमलेश नाम आ गया और इसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, एमडी स्पेस सुरेश, एमडी स्पेस रमेश। तो ये सारे के सारे जो नेम है इधर इस तरह से आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एमडी स्पेस करके जो नेम है वो आया है डेटा, उसे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको आपको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, उसके बाद आपको नोटपैड ओपन करना है। अब नोटपैड ओपन हो गया तो नोटपैड में उस डेटा को आपको पेस्ट कर देना है। तो ये डेटा जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको इसे सेव करना है। तो मैं इसे कंट्रोल एस दे देता हूँ, ठीक है? कंट्रोल एस में डी ड्राइव में इसे सेव कर देता हूँ। डी ड्राइव में एक फोल्डर अलग से बना देता हूँ, उसका नाम रखता हूँ बॉस, ठीक है? मैंने फोल्डर क्रिएट किया डी ड्राइव में बॉस नाम का, उसे ओपन कर लिया, ठीक है? ओपन हो गया। अब उसमें ये इस फाइल को आपको ध्यान से देखे किस तरह से सेव करनी है। तो इस फाइल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, यानी कि माय कंप्यूटर का जो डिस्क्रिप्शन है वो रहेगा, ठीक है? क्रिएट करते हैं, मैं इसको नेम डॉट बी ए टी कर दे रहा हूँ, ठीक है? जब भी आप इस नोटपैड फाइल को सेव करते हैं तो आपको आगे जो नाम लिखा है उसके बाद डॉट बी ए टी एक्सटेंशन यूज करना है और नीचे इधर आपको ऑल फाइल कर देना है, उसके बाद इधर आपको सेव कर देना है, ठीक है? यानी ये फाइल जो है वो सेव हो गई, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ, विंडो ई प्रेस करते हुए आप माई कंप्यूटर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद डी ड्राइव में जाता हूँ, उधर मैंने बॉस नाम का जो फोल्डर क्रिएट किया उसे मैं ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हो नेम नाम की जो फाइल हमने बनाई वो इधर अवेलेबल है, उसका टाइप दिखे विंडो बैच फाइल है, ठीक है? अब जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा हमारे जो कुछ भी फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। इधर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो सारे के सारे फोल्डर, अल्ताफ, अश्विन, भारती, दिलीप, गोपाल, हर्षद, कमलेश, ये सारे के सारे जो नेम है यानी 20 नेम है, तो यानी 20 फोल्डर इधर क्रिएट हो गए। तो इस तरह से आप इजीली फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ये 20 डेटा है, अगर इधर 2000 डेटा भी होगा तो भी ये फोल्डर क्रिएट कर देगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।